नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं बात करूंगा रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर, जो कि बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आप सभी के लिए, क्योंकि एक गुड न्यूज इंडियन एम्बेसी ने शेयर किया आप सभी के लिए। इंडियन गवर्नमेंट समझ लो या इंडियन एम्बेसी समझ लो, क्योंकि काफी बेहतरीन न्यूज है बहुत सारे एयरपोर्टो के लिए। मतलब इंडियन एम्बेसी ने आज ऐलान किया, क्योंकि पहले तो वंदे भारत मिशन 4 का शेड्यूल बहुत सारी कंट्रियों में आ चुका है लेकिन आज मैं बात करूंगा लखनऊ एयरपोर्ट हो गया या और बहुत दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, बहुत सारी जगहों का ऐलान किया गया, जो कि नई अपडेट जारी किया गया। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। आज मैं बात करूंगा मस्कत से इंडिया के लिए, कितनी मतलब जो वंदे भारत मिशन का 4 का शेड्यूल था उसमें अब काफी बड़ा तब्दीली लाया गया, काफी मतलब बदलाव किया गया और 6-7 फ्लाइटें और ऐड की गई, जो कि काफी गुड न्यूज है उन लोगों के लिए जहाँ के लोग मतलब बोल रहे थे हमारे यहाँ फ्लाइट जाएगी या नहीं जाएगी। तो इसमें मतलब लखनऊ हो गया, पूरा डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो प्लीज वीडियो पूरा जरूर देखें। सबसे पहले बात कर लें कि पहली फ्लाइट मतलब ये तो वंदे भारत मिशन 4 का जो मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था कि मतलब 14 तारीख तक कितनी फ्लाइटें ऑपरेट करेंगी कौन कौन से एयरपोर्ट के लिए, तो वीडियो आपने नहीं देखा तो वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा या आई बटन में उसका कोशिश करूंगा दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ये नया शेड्यूल है, ये एक्स्ट्रा शेड्यूल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि इंडियन एम्बेसी मस्कत से आज ही शेयर किया। तो बात करें यहाँ से मतलब 8 जुलाई इसकी 8 जुलाई से बहुत ही बेहतरीन न्यूज निकल के आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट है जो कि काफी बेहतरीन, बहुत भारी तादाद में लोग कमेंट कर रहे थे कि दिल्ली फ्लाइट नहीं जाएगी, 3 महीना हो गया रजिस्टर किए हुए, 4 महीना हो गया, हमारा नंबर ही नहीं आ रहा, इंडियन एम्बेसी क्या कर रही है। लेकिन उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज है, क्योंकि इसमें मतलब पहली फ्लाइट 8 जुलाई को जो एक्स्ट्रा शेड्यूल है, मैं इसके बाद बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा जो शेड्यूल है ये इसमें ऐड किया गया है। तो मस्कत टू दिल्ली 8 जुलाई को ये मस्कत एयरपोर्ट से रवाना होगी, तो अभी 8 जुलाई काफी समय बाकी है, आप फटाफट रजिस्टर करो जितना हो सके उतना इंडिया या तो फिर इंडियन एम्बेसी जो मस्कत में है वहां पे जाके उससे बातचीत करो अगर जो आप ज्यादा प्रॉब्लम में हो तो। उसके बाद बात करें सेकंड फ्लाइट, 2 फ्लाइट 8 जुलाई को है, 8 जुलाई की फिर सेकंड फ्लाइट की बात करें मस्कत टू चेन्नई है या चेन्नई के लिए जा रही है फ्लाइट। उसके बाद तीसरे फ्लाइट की बात करें यहाँ पे तो 11 जुलाई को है, बड़ा अपडेट है भाई, बहुत ही बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए, लखनऊ एयरपोर्ट के लिए बहुत ही गुड न्यूज है। लखनऊ एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट का ऐलान कर दिया गया, जो कि 11 जुलाई मस्कत टू लखनऊ एयरपोर्ट के लिए, बहुत मतलब बहुत भारी तादाद में लखनऊ जाने वाले लोग हैं वहां के लिए, क्योंकि लगातार वहां के लिए फ्लाइट बहुत कम अलाउ किया गया था, अब तक 2 या 3 फ्लाइट अलाउ किया गया लखनऊ एयरपोर्ट के, लेकिन इसमें बहुत ही गजब का न्यूज दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा फ्लाइट को ऐड किया गया लखनऊ एयरपोर्ट 11 जुलाई को, ध्यान रखिए 11 जुलाई को ये जाएगी। तो आप लखनऊ के तरफ से ताल्लुकात रखते हो तो इंडियन एम्बेसी पर जरूर संपर्क करें या रजिस्टर करें। उसके बाद बात करें फिर 12 जुलाई को तो ये केरला के लिए जा रही है। उसके बाद एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बहुत ही बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए, क्योंकि 13 जुलाई मस्कत टू हैदराबाद के लिए भी फ्लाइट का ऐलान कर दिया गया, जो कि एक्स्ट्रा वंदे भारत मिशन 4 का एक्स्ट्रा शेड्यूल जारी किया गया, जो कि काफी बेहतरीन है, क्योंकि हैदराबाद के लोग भी बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि हैदराबाद फ्लाइट जाएगी या नहीं जाएगी, तो उनके लिए गुड न्यूज है, उनके लिए काफी गुड न्यूज है, क्योंकि हैदराबाद के लिए 13 जुलाई को ये फ्लाइट जाएगी भाई, ध्यान रखना बाकायदा यार, अगर जो आपका नंबर नहीं आता तो उसमें किसी का भी गलती नहीं है, क्योंकि यात्री ज्यादा है जाने वाले इस समय। उसके बाद आखिरी फ्लाइट की बात करें जो 14 जुलाई को है, मस्कत टू बंगलुरु, बंगलोर से फिर मंगलुरु शहर के लिए जाएगी, मतलब पहले मस्कत से बंगलोर जाएगी, बंगलोर से मंगलुरु शहर के लिए जाएगी, जो कि काफी बड़ा अपडेट है, वहां के लिए भी मतलब फ्लाइट का ऐलान कर दिया गया। तो इन जो कि ये 6 फ्लाइटें हैं, 6 फ्लाइट एक्स्ट्रा वंदे भारत मिशन 4 में जोड़ा गया, जो पहले का वंदे भारत मिशन 4 का था शेड्यूल जारी किया था उस पर मैंने बाकायदा पूरा वीडियो बनाया, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये 6 फ्लाइट एक्स्ट्रा जारी किया गया, एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ एक्स्ट्रा। तो यही थी जो कि इंडियन एम्बेसी ने अब से थोड़ी देर पहले इसको अपडेट किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।